गाइस अभी है ना आप ये वाली मेरी पावर देख रहे हो, ये वाली पावर कितनी सुपर डुपर कूल है। अभी आप देखना मैं क्या करता हूँ, ये देखो गाइस आपने देखा इतने सारे शिनचैन के आपने पहले कभी देखे हैं? कितने सारे शिनचैन और कितनी सुपर कूल लग रही है आपको। देखना मैं उड़ूंगा ना तो मेरे साथ ये भी उड़ेंगे। अभी देखना कहाँ पर आ रहे हैं, अरे आए मेरे पीछे, ये देखो ये भी मेरे साथ साथ उड़ रहे हैं। कितनी मस्त पावर है डॉक्टर स्ट्रेंज की। सो हे यू व्हाट इज अप गाइस, कैसे आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई GTA 5 की गेम प्ले की वीडियो में। गाइस अभी आप मुझसे पूछोगे कि मैं अभी सुबह सुबह अपनी नई वाली कार लेकर कहाँ जा रहा हूँ, तो रुको मैं आपको यहाँ पर साइड में अपनी कार को लगाकर बताता हूँ। ये काफी सीक्रेट बात है कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। रुको मैं उतरता हूँ और यहाँ पर आओ, मेरे पीछे पीछे आओ, मैं यहाँ पर ही आपको बताऊंगा, वरना कोई सुन लेगा तो यार काफी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सो गाइस मैंने है ना कल डॉक्टर स्ट्रेंज की काफी मस्त वाली मूवी देखी और मुझे है ना उनकी पावर्स काफी ज्यादा अच्छी लगी। तो मैं है ना अभी अभी सुबह अपने घर से अपनी गाड़ी लेकर निकला था ताकि मैं फ्रैंकलिन भैया के पास जा सकूं और उनसे डॉक्टर स्ट्रेंज की सारी पावर्स ले सकूं, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी पिछली वीडियोस में भी काफी ज्यादा बार सुपर हीरोज बनाया है और मुझे पता है कि मुझे एक और सुपर हीरो सिर्फ फ्रैंकलिन भैया ही बना सकते हैं। और जल्दी से फ्रैंकलिन भैया के घर पर चलते हैं। तो चलो गाइस, और गाइस मैंने वहां पर अपनी गाड़ी को इसलिए रोक कर आपको बताया कहीं कोई हमारी बातें चलती गाड़ी में कोई और बच्चा ना सुन ले और कहीं वो मेरी जगह डॉक्टर स्ट्रेंज ना बन जाए। सो गाइस ये देखो हम फ्रैंकलिन भैया के घर के पास पहुंचने ही वाले हैं और ये देखो हम फ्रैंकलिन भैया के घर के बाहर पहुंच ही गए। चलो यहाँ पर अपनी गाड़ी को खड़ा करते हैं और मैं इसमें लॉक लगा देता हूँ कहीं कोई हमारी गाड़ी को चुरा ना ले। काफी मस्त और महंगी गाड़ी है ये देखो। चलो अंदर चलते हैं, फ्रैंकलिन भैया को बोलते हैं। फ्रैंकलिन भैया कहाँ पर हो, मेरी बात सुनो, फ्रैंकलिन भैया कहाँ पर हो। चलो गाइज मुझे लगता है कि हमें अंदर ही जाना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर तो भैया हमारी बात सुन नहीं रहे। अरे फ्रैंकलिन भैया कहाँ पर हो, अरे कहाँ मर गए फ्रैंकलिन भैया, अरे भेड़िया की शक्ल वाले भैया कहाँ पर मर गए, कहाँ पर हो फ्रैंकलिन भैया। अरे गाइस फ्रैंकलिन भैया कहीं पर बाहर ना गए हो, कहीं हमारा यहाँ पर पोपट ना हो जाए। अरे फ्रैंकलिन भैया कहाँ पर मर गए, ओहो चलो वो दिख गए हमें फ्रैंकलिन भैया, चलो मिल तो गए। अरे फ्रैंकलिन भैया आपने ऐसे मुंह क्यों बना रखा जैसे आपके मुंह पर किसी ने तगड़े वाले दो चार चाटे लगा दिए हो। अरे नहीं नहीं शिनचैन तू यहाँ पर क्यों है यार सुबह सुबह, ये बता पहले तो, पहले यार मेरा मूड खराब और मेरा मूड खराब मत कर। अरे फ्रैंकलिन भैया क्या हुआ आपका, सुबह सुबह इतना मूड क्यों खराब है, मैं तो इतने हैप्पी मूड से आपके पास आया था और मैं तो आपसे मजाक ही कर रहा था और आप तो बुरा ही मान गए। अरे शिनचैन यार तू बुरा मत मान, असल में बात यह है कि यार मेरा है ना चोप भाग गया है, पता नहीं दूध वाला आया था सुबह वो है ना गेट को ओपन करके छोड़ गया और अब यार पता नहीं लग रहा कि मेरा चोप यार कहाँ पर चला गया, बस मुझे उसकी थोड़ी टेंशन हो रही थी। अरे फ्रैंकलिन भैया आपको पता है कल मैंने है ना डॉक्टर स्ट्रेंज की काफी मस्त वाली मूवी देखी और उसमें है ना डॉक्टर स्ट्रेंज के पास काफी मस्त मस्त पावर थी और वो वाली पावर आपने देखी है जब डॉक्टर स्ट्रेंज सारी बिल्डिंग्स को उल्टी पुल्टी कर देते हैं। अरे हाँ शिनचैन वो वाली पावर तो यार मेरी भी काफी फेवरेट है, पर उससे तेरा क्या लेना देना। अरे भैया मैं इसीलिए आपके पास आया था क्योंकि आपने मुझे पहले भी हल्क स्पाइडरमैन और सुपरमैन भी बना दिया था, तो अभी आप मेरे को प्लीज डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स दे दो ना, मैं भी डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह काफी मस्त मस्त मजे करना चाहता हूँ, प्लीज मेरी ये वाली विश भी पूरी कर दो ना प्लीज। चल ठीक है कोई बात नहीं, मैं कर तो दूंगा लेकिन तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अरे फ्रैंकलिन भैया आपको शर्म नहीं आती क्या इतने छोटे से बच्चे के सामने एक शर्त रखते हुए। अच्छा तेरे को पावर्स भी चाहिए और तू मेरी कोई बात भी नहीं मानेगा, अच्छा बेटा ये तेरी सही बात है। अरे फ्रैंकलिन भैया वो बात नहीं है लेकिन बताओ कोई आसान सी शर्त देना, कभी बोलो कि मुझे मुर्गा बनना पड़ेगा, मुझे मुर्गा बनने में ना काफी अच्छा नहीं लगता, तो प्लीज ऐसी कोई शर्त मत मेरे सामने रख देना। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई शर्त नहीं है, बस एक सिंपल सी शर्त है। अच्छा तेरे को है ना मेरे को एक मस्त से गाने पर है ना डांस करके दिखाना होगा। अरे फ्रैंकलिन भैया ये तो कोई शर्त की बात भी नहीं हुई है, तो मेरे को आप ऐसे ही बोल देते ना तो मैं वैसे ही आपको डांस करके दिखा देता। अरे ठीक है भैया तो चलो मैं आपको अपना डांस दिखाता हूँ। बहिया में कसी के सैया मारे लो कचा को को को, बहिया में कसी के सैया मारे लो कचा को को को। और गाइस अगर आपको मेरा ये डांस पसंद आया तो एक यार वीडियो को लाइक तो जरूर ठोकी देना और मेरी ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग मस्त मस्त वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और हाँ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। अगर आप ऑल पे सेट नहीं करोगे तो आपको मेरी ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगी। और हाँ फ्रैंकलिन भैया अब तो मैंने आपको डांस भी करके दिखा दिया, जल्दी से अब तो मुझे बना दो ना। अरे वाह शिनचैन तूने तो यार काफी मस्त डांस किया, मेरी तो हंसी भी निकल गई। तो चल मैं तुझे जल्दी से इसी बात पे डॉक्टर स्ट्रेंज बना देता हूँ, तो 3, 2, 1। अरे फ्रैंकलिन भैया ये देखो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ और ना ही मेरे पास वो लाल कलर की चद्दर आई जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे लटकी हुई होती है जिसकी वजह से उनमें और भी ज्यादा पावर्स आ जाती है, वो वाली चद्दर कहाँ है मेरी।
अरे शिनचैन, मैंने तेरे को सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स दी है, कॉस्ट्यूम नहीं दी है। समझा कर, तू मेरे पास है ना सिर्फ पावर ही दे सकता हूँ मैं, कॉस्ट्यूम नहीं दे सकता। तो तेरे पास सारी पावर्स है जो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है। ओहो गाइस, चलो अपनी पावर्स को टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि हम उड़ सकते हैं या नहीं। डॉक्टर स्ट्रेंज भी उड़ सकते हैं ना, तो चलो उड़ते। और ये गाइस ये देखो, मैं तो उड़ भी रहा हूँ। ये देखो कितना मस्त लग रहा है यार उड़ने में। यार गाइस काफी ज्यादा मजे आ रहे हैं, चलो शहर में चलते हैं। तो चलो गाइस हम अपनी पहली पावर को टेस्ट करते हैं, और हमारी पहली पावर है टेलीकिनेसिस। तो चलो इस पावर की पावर देखते हैं कि इसमें कितनी ज्यादा शक्ति है। तो चलो इस वाली गाड़ी पर टेस्ट करते हैं। रुक तेरी तो, ये ले गाड़ी। और ये गाइस देख रहे हो इस गाड़ी को मैंने कैसे उठा लिया। और ये ऊपर दो तीन गाड़ियां, मैं तो इतना देख भी नहीं सकता, मेरी तो गर्दन में मोच आ जाएगी। चलो इनको ब्लास्ट कर देते। ये ले ओ। और ये गाइस देख रहे हो इन गाड़ियों का क्या हाल हो गया। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, बस सोचा, और इन गाड़ियों के साथ देखो क्या हो गया। मुझे इसलिए ही डॉक्टर स्ट्रेंज काफी मस्त लगे थे, उनमें काफी ज्यादा पावर। और ये वाली गाड़ी तो देखो हमारे ऊपर उड़ी ही रही है। चलो गाइस ये हम टेलीकिनेसिस फायर ब्रिगेड पर भी टेस्ट करके देखते हैं। रुको तुम्हारी तो, तुम्हें भी मैं ऊपर उठा देता हूँ। ये लो। और ये गाइस कितनी बड़ी, हमने फायर ब्रिगेड को कैसे ऊपर उठा लिया। रुक अंकल तेरे ऊपर ही देखकर मारता हूं। और ये गाइस ये देखो, अंकल की तो मुंडी ही सटक गई। ये देखो इनकी तो पूरी मुंडी कट गई। अरे चलो भाग लेते हैं, यहाँ पर हमने इनकी बेवजह मुंडी को काट दिया। चलो गाइस हम उड़ते हैं और बीच की तरफ चलते हैं, वहाँ पर और भी ज्यादा मजे आएंगे, क्योंकि वहाँ पर ज्यादा लोग रहते हैं ना, तो उनसे लड़ने में और उनको तंग करने में काफी ज्यादा मजे आएंगे। यहाँ पर ज्यादा लोग दिखते हैं, कहाँ पर गए लोग। रुको यहाँ पर लैंड होता हूँ मैं। अरे आराम से। चलो गाइस हम अपनी अगली पावर को देखते हैं। हमारी अगली पावर है प्रोटेक्टिव शील्ड। अच्छा प्रोटेक्टिव शील्ड बना लूंगा मैं अपने सामने। रुको अभी बनाता हूँ प्रोटेक्टिव शील्ड। और गाइस ये देखो कितना कूल एनिमेशन है ये। गाइस आपको ये वाला एनिमेशन कैसा लगा? मुझे तो यार काफी मस्त लगा। इसको है ना डॉक्टर स्ट्रेंज तब यूज करते हैं जब उनको कोई हमला करता है ना, तब इनका यूज डॉक्टर स्ट्रेंज करते हैं। चलो यहाँ पर किसी के ऊपर मार के देखते हैं कि उनसे क्या होता है। ये ले। और ये गाइस मेरे छूने से ही इसकी टपरी तो उड़ गई। तो चलो गाइस ये वाली पावर है ना इतनी काम की नहीं है, ये बस तभी काम आती है जब हम पर कोई हमला करता है। चलो अभी मैं आपको अपनी अगली पावर दिखाता हूँ। हमारी अगली पावर है टेलीपैथी। अच्छा हम है ना किसी के भी दिमाग को भोंदू बना सकते हैं, और उनको आपस में लड़वा सकते हैं, और उनके दिमाग के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। चलो इस अंकल के साथ हम कुछ ना कुछ करते हैं। चलो इनके दिमाग में देखो, मैंने इनके दिमाग को कुछ कर दिया। और ये देखो ये तो इन अंकल के साथ लड़ने लग गए बेवजह। अरे इसके टकले पर बचा दिया इन्होंने, तो उसकी सारी कॉपी गिरा दी। अरे कितनी मस्त पावर है, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। चलो यहाँ पर और भी लोगों के ऊपर ट्राई करते, वाली पावर काफी कूल है। चलो इस वाले अंकल के ऊपर ट्राई करते हैं। अरे ट्राई हो जा। ये देखो इस अंकल को भी कुछ हो रहा है। अरे वो देखो उस आंटी को भी पीट दिया उन्होंने। अरे वाह यार कितना मस्त है ये वाली पावर है ना, कितनी मस्त है। इसको मैं ना अपने स्कूल में अपने टीचर्स पर ट्राई करूंगा। हमारी अगली पावर है एस्ट्रल प्रोजेक्शन, और ये हमने एक्टिवेट कर लिया। ई दबाएंगे तो एक्टिवेट हो जाएगी। अरे ये क्या हुआ? अरे हमने अपना शरीर छोड़ दिया और हमारी आत्मा ही रह गई। चलो इसकी आत्मा निकाल लेते। ये लो अंकल। और ये गाइस ये देख रहे हो हमने कैसे आत्मा निकाल दी, और वो कैसे आत्मा भगवान जी के पास जा रही है। चलो इस नंगू पंगू अंकल के साथ भी यही करते हैं। रुको अंकल आपकी आत्मा चाहिए मुझे। अरे गाइस ये देखो इनकी आत्मा भी बाय बाय करते जा रही है। बाय बाय। हमारी अगली पावर है यहाँ पर है पोर्टल बनाने की। चलो देखना मैं यहाँ पर पोर्टल बनाऊंगा, और उस वाली बिल्डिंग के ऊपर जाकर खड़ा हो जाऊंगा। देखना आप कितना मस्त पोर्टल बनेगा। ये देखो ये मैंने पोर्टल एक बना दिया, पर मैं इसके अंदर से गुजरूंगा और उस बिल्डिंग के ऊपर चला जाऊंगा। ये देखना अभी जा। ये देखा आपने कितनी जल्दी वहां पर पोर्टल बनाया था और इस बिल्डिंग के ऊपर आ गया। कितना मस्त है यार। चलो उस वाली टंकी के ऊपर भी चढ़कर देखते कि हम वहां पर भी जा सकते हैं क्या। चलो एक और पोर्टल बनाया और यहां से जाते हैं। अरे अरे गिर गया मैं तो, वैसे मैं इस टंकी के ऊपर आ गया था। अरे कोई बात नहीं, मैं तो डॉक्टर स्ट्रेंज हूँ, मैं तो उड़ भी गया, मुझे तो चोट भी नहीं लगी। कितनी कूल है डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर यार। तो चलो गाइस अभी मैं आपको अपनी अगली पावर दिखाता हूँ। मेरी अगली पावर है मिस्टिक बोल्ट्स की। चलो ये वाली पावर भी काफी कूल है, और इसको हम ई दबाकर एक्टिवेट करना होगा। चलो हम ई प्रेस कर देते हैं। तो चलो गाइस यहाँ पर ये अंकल भाग रहे हैं और इनके ऊपर अपनी पावर को टेस्ट करते हैं। अच्छा तू सिक्स पैक बना के मेरे सामने अकड़ेगा। रुक तुझे तो अभी बताता हूँ, मैं अपनी पावर एक्टिवेट करता हूँ, तेरे दो टुकड़े करता हूँ, तेरी चड्डी के ऊपर मारूंगा। रुक तेरे तो। ये ले।
ये देखो गाइस, हमने इसके दो टुकड़े कर दिए बेचारे के। अभी तो फोन पे बातें करता हुआ जा रहा था। तो चलो हम फाइनली आर्मी हेडक्वार्टर्स में आ चुके। और ये देखो आर्मी हेडक्वार्टर्स में घुसते ही हमारे पीछे 4 स्टार की पुलिस लग चुकी है। तो चलो गाइस, मैं यहाँ पर है ना आपको अपनी मस्त वाली पावर दिखाता हूँ। मेरी ये वाली पावर टेलीकनेसिस यार काफी ज्यादा मस्त है। मैं यहाँ पर आपको इसलिए लेकर आया था क्योंकि यहाँ पर है ना भारी भारी टैंक और हवाई जहाज देखने को मिलेंगे और उनको है ना एक ही हाथ से उठाकर दूर दूर फेंक देंगे। कहाँ पर है हवाई जहाज? अरे ये रहा। चलो अरे पहले इस गाड़ी को उठा लेते हैं। ये देखो गाइस, हमने कैसे उठा लिया इसको और वहाँ पर फेंक देते हैं। ये देख लो कितनी दूर गया है, कितनी मस्त है यार। चलो इस वाले एरोप्लेन को देखते हैं। अरे ये एरोप्लेन है या जेट है? चलो गाइस इस वाले जेट को उठा लेते हैं। अरे गाइस देख रहे हो कितना मस्त और कितना कूल है। चलो उस बिल्डिंग के ऊपर फेंक कर मारते हैं, वहां पर जा। ये देखो हमने कैसे इनके प्लेन को डिस्ट्रॉय कर दिया, कितने मस्त पावर। अरे सबको उठा लूंगा मेरे को, तुम्हारी तो तुम्हें भी उठा सकता हूँ इंसानों। अरे आर्मी वाले तुम्हें भी उठा सकता। अरे गंजे तुझे भी उठा लूंगा और वहां पर फेंक कर मारता हूँ। ये लो कहाँ पर हो रहे हो गाइस, देख रहे हो कैसे बेचारे आधे आधे कट गए। चलो इस वाले बड़े वाले प्लेन को उठाकर देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज इसको भी उठा सकते हैं क्या। चलो इसको उठाते हैं। अरे गाइस इसको भी उठा लियो, कितना बड़ा प्लेन है, कितना मस्त और कितना पावरफुल है। चलो इसको भी वहां पर फेंक कर मारते हैं, वहां पर जा प्लेन। अरे देख रहे हो कितना मस्त है, चलो एक बार वो फेंकते। ये ले गाइस इस प्लेन की हालत देखो हमने क्या कर दी। क्योंकि अब मैं जो आपको डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर दिखाऊंगा ना, वो तो मतलब इतनी कूल है कि मैं बता भी नहीं सकता। तो चलो मैं आपको अपनी वो वाली पावर दिखाता हूँ। वो वाली पावर है मिरर डायमेंशन की। देखना अब कैसा इफेक्ट क्रिएट होगा, मतलब एक नकली दुनिया ही बन जाएगी। ये देखो, देख रहे हो गाइस। और गाइस चलो नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नीचे से ये दुनिया देखने में कैसी लगती है। ये देखो गाइस कितना कूल लग रहा है। वो देखो वहां पर ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने पूरी दुनिया को ही उलट पुलट कर दिया है। और ये वाली बिल्डिंग्स देखो कितनी मस्त लग रही है यार, कितना मस्त इफेक्ट है। रुको एक और बार करके देखता हूँ, एक और बार होता है या नहीं। और ये गाइस ये देखो देखो कैसे उठ रही है। चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं इसी पावर को, देखते हैं कि अब की बार क्या होगा। तो चलो गाइस ये देखो। अरे गाइस ये देखो फिर से वही वाला सीन हो गया, कितने मस्त पावर। अरे ये देखो ऐसे लग रहा है जैसे आगे की तरफ बढ़ रही है। और वो हेलीकॉप्टर देखो ऐसे लग रहा है जैसे मैं है ना कोई मूवी देख रहा हूँ सच में, कितने मस्त मस्त पावर है। अरे ये पुलिस वाले तो मेरे पीछे ही पड़ गए यार, चलो यहाँ से भागते हैं। अरे गाइस अभी तो है ना मेरे पास और भी बहुत ज्यादा पावर्स है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको डॉक्टर स्ट्रेंज की सारी पावर्स दिखाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके ऊपर आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। क्योंकि इस वीडियो में आपको अपनी सारी पावर्स दिखाऊंगा तो ये वाली वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो गाइस जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो कि आपको डॉक्टर स्ट्रेंज की सारी पावर्स देखनी है या नहीं देखनी। और मुझे तो इन पावर्स को यूज करने में यार काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और गाइस और वाली पावर है ना जो मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाई, वो तो और भी मस्त है। मतलब हम है ना टाइम को भी पीछे कर सकते हैं, मतलब टाइम रिवर्स कर सकते हैं, ऐसी मस्त मस्त पावर्स भी हमारे पास। तो गाइस जल्दी से कमेंट में लिख दो कि आपको वो वाली वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए गाइस अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।